हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आर.के. तवंड किचन में। आज बनाएंगे गोभी पनीर के पराठे। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम गोभी ली है, 8-10 हरी मिर्च और 50 ग्राम पनीर, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, आधा चम्मच जीरा और ये 10-15 मैंने काली मिर्च ली है और इसमें ये अदरक का टुकड़ा। गोभी के पराठे बनाने के लिए पहले आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आटा रख सकते हैं। और ये मैंने इसमें छोटी कटोरी मैदा लिया है, मैदा को भी आटे में डाल देंगे। मैदा डालने के बाद अब इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और ये साथ में थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डालने के बाद चुटके डाल देंगे खाने वाला सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब गुनगुने पानी से आटे को गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि आटा गीला हो जाएगा। 5 मिनट तक आटे को गूंदना है। आटा बिल्कुल बढ़िया से गूंद के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और बढ़िया आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए अब गोभी को तैयार करेंगे। गोभी के सारे ये डंठल साफ कर देंगे चाकू से। गोभी के मैंने सारे डंठल काट दिए हैं। अब गोभी को चेक कर लेंगे इस तरीके से कि गोभी में कीड़े तो नहीं हैं। अब ऊपर ऊपर से गोभी को भी साफ करेंगे, बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेंगे। गोभी बिल्कुल साफ हो गई है, अब अच्छे से गोभी को धो लेंगे। गोभी को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब गोभी को कद्दूकस करेंगे। ये मोटे साइड से मैं गोभी को कद्दूकस करूंगी। गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें पनीर भी कद्दूकस करेंगे। ये मैंने पनीर भी कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें ये अदरक का टुकड़ा भी कद्दूकस करेंगे। अदरक से गोभी के पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप गोभी के पराठे में प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी। हरी मिर्च भी मैंने बारीक काट ली है और ये हरे धनिया की पत्ती भी मैंने बारीक बारीक काट ली है। अब गोभी के साथ ये दोनों चीज़ भी मिक्स कर देंगे। मिर्च और जीरे को दरदरा कर लेंगे चकले पे। काली मिर्च और जीरे को मैंने दरदरा कर लिया है। गोभी के पराठे में काली मिर्च और जीरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर ऐड करें गोभी के पराठे में। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को हाथ से। नमक अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोभी पानी छोड़ने लगती है, बाद में बनाते टाइम नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से कसूरी मेथी को भी मिक्स कर लेंगे गोभी के साथ। गोभी के पराठे की सारी तैयारियां हो गई हैं, अब नमक भी ऐड कर देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार रख लें क्योंकि हमने आटे में भी नमक ऐड किया है, अपने हिसाब से नमक डाल लेंगे गोभी के पराठे बनाने के लिए गोभी के मिक्सर में। ऐड हो गया है, अब ये आटा भी बिल्कुल सेट हो गया पराठे बनाने के लिए। चलिए पराठे बनाते हैं। सर्दी के टाइम में घी जम जाता है, मैं तवे पे घी को पिघला लूंगी कटोरी में। पराठे बनाने के लिए मैं देसी घी को तैयार करूंगी। देसी घी में बने पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आज मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है, अब चलिए पराठे बनाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आटा लेके आटे की लोई बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी सारी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। सारे लोइयां बना के मैंने तैयार कर ली हैं। अब इस तरीके से सूखा आटा लगा के लोई को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब इसमें ये गोभी का मिक्सर इस तरीके से भरेंगे पराठा बनाने के लिए।
अब इस तरीके से लोई को बंद कर देंगे। अच्छे से गोभी का मिक्सर बिल्कुल अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। अब इस तरीके से सूखा आटा लगा के अब चकले पे बेल देंगे। सूखा आटा लगा के इस तरीके से पराठे को बेलेंगे। पराठे मैंने बेल के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए पराठे को सेकेंगे। आंच पे मैंने तवे को अच्छे से गरम कर लिया है। अब पराठे को तवे पे डालेंगे, साइड से अच्छे से पराठे को सेक लेंगे मीडियम आंच पे। साइड से पराठा सेक गया है, अब इसकी दूसरी साइड पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा सिका है। इसकी एक साइड से घी लगा देंगे। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं पराठे बनाने में। अब इसकी दूसरी साइड पे भी देसी घी लगा देंगे। पराठे को अच्छे से करारा कर लेंगे, आंच को बिल्कुल हल्का कर दें। पराठा और भी बढ़िया से सिक के तैयार हो जाएगा। पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब पराठे को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए अब दोबारा भी पराठे में दोनों साइड से घी लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया से फूले फूले पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सारे पराठे सिक गए हैं, अब गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारे पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पराठे बने हैं। ये देखिए कितने बढ़िया, देखिए कितने अच्छे से गोभी के पराठे मैंने बना के तैयार किए हैं। आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर गोभी के पराठे बना के देखें। आप पराठों को चटनी के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरे गोभी के पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नई वीडियो में।